इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपोजिट है हमारे पास एंड उसके बाद हमारे पास एंट्रेंस फी है सबको नजर आ रहा है तो चलिए माफ कर लेते हैं income, तो करंट ईयर तो का सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होगा चिल्ड्रन देर आफ्टर डोनेशन विल बी कॉल्ड एज वॉट फॉर समर्पज तो है नहीं तो इट इज जनरल नेचर ये इनकम हो गया देयर आफ्टर बैंक डिपोजिट के ऊपर हॉल रेंट लिखा हुआ है दिस इज वॉट चिल्ड्रन एक्सपेंडिचर रिसिप्ट साइड में एक्सपेंडिचर कैसे होगा कुछ लोगों की दिमागी स्थिति गड़बड़ हो गई है रांची में mental asylum में room book करा इनके लिए. Side में में करा लिए। कैसे आ सकता है है। भाई? Impossible सी बात है. Hall rent, किस category में जाएगा? इनकम या लाइबिलिटी इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपोजिट क्या होगा इंटरेस्ट मिला इट्स इनकम बेसिकली एंट्रेंस फी चिल अमाउंट तो स्मॉल ही है तो जनरलीसिडर दिस एज इनकम देन पेमेंट साइट पे चलते हैं यहाँ पे या तो आपको एक्सपेंस मिलेगा या तो अट मिलेगा और कोई तीसरी चीज नजर आएगी नहीं पर्चेज ऑफ फर्नीचर टेलीफोन एक्सपेंस इलेक्ट्रिक चार्जेस पोस्टेज एंड स्टेशनरी विल ऑल बी कॉल्ड एज वॉट चिल्ड्रेन एक्सपेंस बुक्स खरीदी है असेट एंटरटेनमेंट एक्सपेंस तो कोई अंधा भी बता देगा कि इट्स एंड एक्सपेंस गवर्नमेंट से क्यों चिल्ड्रेन आसेट हो जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंस अगेन एक्सपेंस और अडजस्टमेंट कुछ दिए चिल्ड्रेन डेप्रीसिएशन आई होप सो सिक्स एडजस्टमेंट है सब लोग ट्रीट कर लेंगे पीपल नो हाउ बी ट्रीट दिस सबको पता है डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड होता था फाइनल अकाउंट्स में तो वहां पे पीएल में रिकॉर्ड करते थे या इनकम इन एक्सपेंडिचर फिर बैलेंस शीट में लेस कर देंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट सबको क्लियर है हाउ टू डू दिस एंटरटेनमेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग सबको पता है क्या करना है इंटरेस्ट अप्रूड ये भी सबको पता है आपने एंट्रेंस फी को इनकम माना है बट क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहा है चिल्ड्रन फिफ्टी परसेंट परसेंटेज टू बी कैपिटलाइज तो फाइव हंड्रेड वुड बी कंसिडर्ड एज इनकम बट रिमेनिंग फाइव हंड्रेड चिल्ड्रेन वुड बी कंसिडर्ड एज अबिलिटी समझना क्या हमारी subscription subscription इनकम इंक, है तो इनकम अक्रूड को हम इनकम में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे डिटो जैसे फाइनल का क्वेश्चन करते थे सब कुछ वैसा ही है रेडी एवरीबडी चलिए लेट स्टार्ट विद दिस तो स्टार्ट करते हैं रिसेप्ट साइड में सबसे पहली इनकम कौन सी नजर आ रही है हमको सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट नंबर फोर है अक्रूड लिखा है कि प्री रिसिप्ट लिखा है आंसर इज अक्रूड तो क्या करते हैं हम अक्रूड को बच्चों अक्रूड इनकम को क्या करते हैं हम लोग एड राइट ऑन द क्रेडिट बाय सब्सक्रिप्शन टेन थाउजेंड अक्रूड द वैल्यू इज रूपीज फोर हंड्रेड इन द आउटर कॉलम वॉट वैल्यू पुटिंग टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड समझ में आ गई सबको बात हाउ टू डू दिस तो जैसे ही आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट कर लिया पोटेटिक मार्क टू दिस बी क्विक देन वी हैव डोनेशन चिल्ड्रन इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज आप लिख देंगे ऑन द क्रेडिट साइड व्हाट बाय डोनेशन हाउ मच टू थाउजेंड देन वी हैव बच्चों हॉल रेंट एनी एडजस्टमेंट फॉर हॉल रेंट डू वी हैव नो तो क्रेडिट साइड पे आप लिख देंगे बाय हॉल रेंट वॉट द वैल्यू थ्री हंड्रेड देस्ट ऑन बैंक डिपोजिट तो इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वील पुट एट बाई इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपोजिट व्हाट द वैल्यू फोर हंड्रेड एंडी अच्छा हाँ बैंक इंटरेस्ट रिसीवे सॉरी 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 तो आप पहले इंटरेस्ट को इनर कॉलम में लिखेंगे एडजस्टमेंट को टिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे एड अक्रूड और रिसीवेबल स्वाद अनुसार जो आपको अच्छा लगे सो व्हाट्स द वैल्यू कमिंग सिक्स हंड्रेड फोर फिफ्टी प्लस एंट्रेंस फी के लिए लिखा है कैपिटलाइज करनी है मतलब फिफ्टी परसेंट को आपको कंसिडर क्या करना है कैपिटल नेचर का वॉट द टोटल वैल्यू ऑफ एंट्रेंस फी देंगे आप कैपिटलाइज्ड फाइव हंड्रेड what would be the value going in the outer column children 500 बस और तो कुछ बचा नहीं हमारे पास डेबिट साइड में चलिए फर्नीचर असेट है एक्सपेंस के नाम पे हम क्या-क्या आइटम्स लिख सकते हैं इट्स इन फ्रंट ऑफ यू वी विल बी पुटिंग चिल्ड्रन कैबिनेट साइड पे सैलरीज कितनी वैल्यू है 2000 एडजस्टमेंट नंबर वन को आप टिक कर लेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग इज फिफ्टीन हंड्रेड व्हाट द वैल्यू इन द आउटर कॉलम थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड देर आफ्टर टेलीफोन एक्सपेंस का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है सो वील बी पुटिंग सिंपली टू टेलीफोन एक्सपेंसिस हाउ मच थ्री हंड्रेड वेरी गुड देर आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सिक्स हंड्रेड है तो डेबिट साइड में लिख देंगे आप टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सिक्स हंड्रेड पोस्टेड एंड स्टेशनरी वन फिफ्टी दिस ऑल्सो डेजस्टमेंट तो हम लिखेंगे postage and शायद. Yes, उसके बाद बुक्स असेट हो गया एंटरटेनमेंट एक्सपेंस इज नाइन हंड्रेड टू वील पुट दैट ऑन द डेबिट साइट देयर आफ्टर वी हैव ियस एक्सपेंसिस अच्छा आउटस्टैंडिंग भी है तो इसको हम पहले इनर कॉलम में लिख लेते हैं वॉट द अमाउंट गिवन एज आउटस्टैंडिंग फाइव हंड्रेड सो वील एड आउटस्टैंडिंग फाइव हंड्रेड वैल्यू वुड बी फोर्टीन हंड्रेड देन चिल्ड्रन एंट्रेंस फी का भी एडजस्टमेंट हो चुका है चलिए मिसलेनियस एक्सपेंसिस सिक्स हंड्रेड फर्नीचर का डेप्रीसिएशन है चिल्ड्रन तो फर्नीचर हमने कितने का खरीदा है फाइव थाउजेंड रुपी का और फर्स्ट ऑफ जुलाई को खरीदा है ईयर एंड्स ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च तो आपने इसे यूज कितने ईयर के लिए किया चिल्ड्रन कितने टाइम के लिए नाइन मंथ्स के लिए इट एंड द रेट इज टेन परसेंट लेट्स कैल्क्यूलेट जीरो जीरो वुड गेट कैंसल्ड 3's three are nine, three fours are twelve. So it's uh, fifty upon four is twelve point five into three thirty seven point five into ten. It is three seventy five as depreciation on furniture. Because it is on one asset only, to apexa click sakte to depreciation on furniture. That's it. go Children, anything else do we have? फाइव तो थाउजेंड रुपी फर्नीचर की वैल्यू थी टेन परसेंट फॉर अ पीरियड ऑफ नाइन चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं डिफरेंस ट्वेल्व थाउजेंड टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड प्लस टू थाउजेंड प्लस थ्री हंड्रेड प्लस सिक्स हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड द टोटल इज थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड डेफिनेटली शॉर्टेज आपको किधर रिफ्लेक्ट होगी डेबिट yeah. साइड में माइनस करना स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्टी फाइव हंड्रेड देव थ्री हंड्रेड देव सिक्स हंड्रेड वी हैउंट ऑफ सर ब्रैकेट में जरूर लिख दीजिएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर एक बार टोटल फिर से देख लेते हैं थर्टी फाइव ऑन दाइड प्लस थ्री हंड्रेड प्लस प्लस फोर्टीन हंड्रेड प्लस सिक्स हंड्रेड प्लस थ्री सेवन सिक्स नाइन टू फाइव एंड हेर इट इज थर्टीन एट हंड्रेड यस सिक्स एट सेवन फाइव इज द करेक्ट आंसर आई होप सो एवरीबडी मस्ट अंडरस्ट ये कैसे आया yes, चलिए सो so क्वेश्चन हमको दो चीजें बनाने को हमेशा बोलेगा वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड अदर इज बैलेंस शीट बट बैलेंस शीट में द मोस्ट प्रोमोनेंट लाइबिलिटी दैट वी हैपन टू राइट इन द अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वॉट वॉज दैट चिल्ड्रन मोस्ट प्रोमोनेंट लाइबिलिटी हमेशा होती थी वो कैपिटल बट यहाँ पे वी डू नॉट हैव हैव कैपिटल वी कैपिटल फंड तो कैपिटल फंड आपको निकालना पड़ेगा दिया तो है नहीं क्वेश्चन में तो चेकआउट ऑन द नेक्स्ट पेज यू बी गेटिंग व्हाट इज टाइटल्ड वर्किंग नोट्स में ओपनिंग बैलेंस इसकी डेट आपको नजर आएगी या तो थर्टी फर्स्ट मार्च टू अकाउंट में चेक करिए रिसिप्ट साइड में सबसे पहले चिल्ड्रेन आपको ओपनिंग बैलेंस नजर आ रहा होगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का ये सो दिस वील पुट ऑन साइड एज कैश बैलेंस कितनी वैल्यू है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ऑन साइड तीन सब्सक्रिप्शन आपको दिए हुए हैं टू थाउजेंड वाला लास्ट ईयर का है ट्वेंटी वाला करंट ईयर का है और ट्वेंटी वन वाला नेक्स्ट ईयर का है नजर आया सो so, अगर पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल मिल रहा है दाल में कुछ काला है मतलब ये लास्ट ईयर नहीं मिला होगा ये जो मेंबर okay. होगा हमारे क्लब का ये हमारा डेटर है तो असेट साइड में आप लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और अक्रूड। मच? और हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है। डेबिट साइड में जो लास्ट ईयर को कॉरेस्पॉन्ड करे और क्रेडिट साइड में भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च को रहा हो सो टू आइटम्स वी एसेट साइड टोटल ऑफ एसेट कितना आ जाएगा हमारा

सो जाएगा सेवेंटी फाइव एट एंड फाइव एस थर्टीन सिक्स प्लस ट्वेल्व थर्टी थ्री एट सेवेंटी फाइव क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड प्लस सरप्लस आ जाएगा समझ समझिए सब लोग फर्दर देखते हैं रिसिप्ट साइड में शायद कुछ आपको नजर आए जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जा सकता है क्योंकि एवरीबडी नोज कि हमको रिसिप्ट साइड से ही लाइबिलिटी और सो कॉल्ड इनकम्स मिली तो ओपनिंग बैलेंस हम लिख चुके हैं 19 और ट्वेंटी का सब्सक्रिप्शन हो चुका है डोनेशन हो चुका है हॉल रेंट हो चुका है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स हो चुका और एंट्रेंस फीस बचा है आधा तो हाफ ऑफ दिस एंट्रेंस फीस क्या बोला गया था हमको कैपिटलाइज करना है तो आप लिखेंगे एंट्रेंस फीस इन द इनर कॉलम 1000 लेस रेवेन्यू 500 तो आउटर कॉलम में वी हैव द वैल्यू हाउ मच 500 और कुछ आपको ऐसा नजर आ रहा है रिसेप्ट साइड में जो लाइबिलिटी की तरह अपने आप को एड्रेस कर रहा हो सब्सक्रिप्शन देखिए 2021 ट्वेंटी वन का कितना है चल रहा फाइव हंड्रेड आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा इस साल मिल गया बट है किस ईयर का नेक्स्ट ईयर तो मेंबर्स ने एडवांस दे दिया आपको सो दिस एडवांस सब्सक्रिप्शन विल बी कॉल्ड एज वॉट प्री रिसीव्ड दैट इज अबिलिटी फाइव so, हंड्रेड आप यहां पे लिख देंगे अंडरस्टूड एवरीबडी सो हो गई हमारी लाइब्रेटी साइड एडजस्टमेंट्स में देख लेते हैं कुछ लाइब्रेटी में लिखने लायक हो कैन वी राइट सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं लाइब्रेटरी में एंटरटेनमेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कुड बी रिटर्न तो ये दोनों चीजें लिख देते हैं इट्स सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ट इज द अमाउंट ऑफ सैलरी आउटस्टैंडिंग फिफ्टीन हंड्रेड और एंटरटेनमेंट एक्सपेंस फाइव हंड्रेड समझ गए बस और तो कुछ है नहीं अट पे चलते हैं फर्नीचर चिली क्वालिफाइड एज एन असेट तो लिख देते हैं फर्नीचर इन द इन कॉल ऑफ हाउ मच फाइव थाउजेंड एनीथिंग टू बी सब्ट्रैक्टेड डेप्रीसिएशन उ मच थ्री सेवेंटी फाइव ब्रैकेट में वॉट इज फाइव थाउजेंड माइनस थ्री सेवेंटी फाइव फोर सिक्स टू फाइव हो गया हमारा फर्नीचर भी देन चिल्ड्रेन बुक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बुक्स कितने की है हमारे पास हाउ मच ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हाउ मच एट थाउजेंड चलिए देर आफ्टर हमारे पास कैश और बैंक बैलेंस है थ्री थाउजेंड एंड ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड थ्री थाउजेंड और थ्री हंड्रेड थ्रीड्री हंड्रेड सॉरी थ्री हंड्रेड चल और बैंक बैलेंस कितना था ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड चेक कर लें एडजस्टमेंट्स में तो कुछ नहीं है बैंक इंटरेस्ट और सब्सक्रिप्शन अक्रूड ये दोनों चीजें असेट में लिखी जाएंगी इंटरेस्ट अक्रूड एंड सब्सक्रिप्शन अक्रूड सब्सक्रिप्शन अक्रूड इज एल फोर हंड्रेड और इंटरेस्ट अक्रूड इज हाउ मच ये भी दोनों फोर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी है चलिए सो लेट्स गेट डाउन विद द टोटलिंग प्रोसीजर थर्टी थ्री थ्री सेवेंटी फाइव प्लस पांच सौ पांच सौ एक हजार पंद्रह सौ और ये तीन हजार इट्स थर्टी सिक्स थाउजेंड थ्री सेवेंटी फाइव एज दस टोटल ट्वेंटी फाइव हंड्रेड है बच्चों एट थाउजेंड है थ्री हंड्रेड है ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड है

लास्ट ईयर का तो बच्चे फंसते हैं वहां पर ही चिल्ड्रन। खैर तो दीज क्वेश्चन प्लेसमेंट कैसे करते हैं मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट इफ आर क्लियरली विजिबल टू एवरीबडी इट्स एज नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर अस्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिपरेशन बैलेंस शीट का वैसे ही होता है जैसे प्रॉफिट मेकिंग में था फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पे कैपिटल आपको नहीं पता होती और कैपिटल होती भी नहीं है डू वी कैपिटल कैपिटल फंड तो आपको कैपिटल फंड कैसे मिलेगा आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी वहां पे असेट और लाइबिलिटी के डिफरेंस से यू विल गेट व्हाट कैपिटल फंड ठीक आप देखिए ऊपर आपने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई होगी वहां पे कैपिटल फंड आपको नजर आ रहा होगा ओके और यहाँ पे कैपिटल फंड के दो और नाम होते हैं वन इज जनरल फंड अदर इज एक्टेड क्यों इसको बोलते हैं ऐसा ये मैं पहले आपको बता चुका हूं जो भी सरप्लस आएगा दिस we'll और जो डेफिसिट आएगा क्वेश्चन नंबर इज विजिबल टू एवरीबडी चलिए ये क्वेश्चन आपका पार्ट ऑफ द होमवर्क रहेगा आपको इसमें एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है फॉर्मेट इज ऑलरेडी ड्रॉन फॉलोड बाय बैलेंस शीट ओपनिंग बनाएंगे पहले वहां से कैपिटल फंड निकालेंगे और क्लोजिंग समझ में आ गया चलिए एक बार एडजस्टमेंट्स में डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए चलो यहां द बिगनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ है यस प्ले ग्राउंड कैश इन हैंड स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, प्रिंटिंग स्टेशनरी एंड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। ये सारी की सारी एसेट्स आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिखनी है ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिखनी है वॉट इट फिर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का क्या करेंगे आपको पता है अक्रूड इनकम के साथ क्या करना है मेरे को बताने की जरूरत नहीं वॉट मैंने एक एक्सपेंस स्टॉक का एडजस्टमेंट आपको पढ़ाया था अगर आपको याद हो वो यहाँ पे काम आएगा पेमेंट साइड पे देखिए एट द मिडल बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड जैसा कुछ नजर आ रहा होगा मिला मेरा एंड इलेवन थाउजेंड का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का स्टॉक आपको नजर आ रहा होगा इन एडजस्टमेंट सेक्शन ट्वेंटी तो सिक्स की स्टेशनरी खरीदी और इलेवन की थी टोटल स्टेशनरी कितने की हो गई हमारे पास बच्चों टोटल स्टेशनरी कितने की हो गई थर्टी सेवन थाउजेंड और लास्ट में लिखा हुआ है थर्टी परसेंट तो so, आप कैलकुलेट कर, कर लेंगे ये थर्टी परसेंट वाली वैल्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी बाकी क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे सेम काम स्पोर्ट्स मटेरियल के साथ करना है तो पीपल नो हाउ टू अडजस्टी एट थाउजेंड का स्पोर्ट्स मटेरियल है सेकेंड लास्ट आइटम होगा पेमेंट साइड पे नजर आ गया 50 इसको राइट ऑफ करना थर्टी फोर थाउजेंड आपका खर्चा बनेगा और थर्टी फोर थाउजेंड आपकी आसेट बन जाएगा इट तो ये काम जरूर कर लीजिएगा चलिए सर्टन आइटम्स में हम ये सब चीजें तो पढ़ चुके हैं चलन डायरेक्टली ओपन टू पेज नंबर ट्वेल्व

स वन कंसेडरेशन इज गिवेन टू द टाइम पीरियड एंड केस टू वेन नो कंसिडरेशन इज गिवेन टू द टाइम पीरियड कभी कभी क्वेश्चन आपको लिख के देगा डेप्रीशियट फर्नीचर एट टेन परसेंट पर देगा क्वेश्चन आपको डेप्रीशिएट फर्नीचर एट टेन परसेंट तो एट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन अगर डेट ऑफ परचेज पता है कोई प्रॉब्लम नहीं डेट ऑफ परचेज पता है कोई प्रॉब्लम नहीं जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था? जस्ट फर्नीचर खरीदा किस डेट तो तो निकलेगा नाइन मंथ समझ में आ गई बात समझ में आ गई बात चलिए तो वही चीज यहां पे आपको ध्यान देनी है बस इफ डेट ऑफ परचेज इज गिवेन आई रिपीट चिल्ड्रन डेट ऑफ इज गिवन तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई जिस डेट को खरीदा वहां से लेके ईयर एंड तक चैप्टर में भी पढ़ाया गया था अब यहां पे लॉजिक क्या बोल रहा है इफ यू हैव एनी फर्नीचर एट द द ऑफ ईयर पिछले साल आपने खरीदा था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर फर्नीचर है आप उस उसपे कितने टाइम का डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे द आंसर इज फुल ईयर बट आपने इस साल एक नया फर्नीचर खरीदा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में

कुछ बच्चे अज्यूम करेंगे कि हमने फर्नीचर को ईयर के स्टार्ट में खरीदा तो सर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दीजिए कुछ बच्चे बोलेंगे सर ईयर के एंड में खरीदा तो इस साल हम इस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करेंगे तो ये दोनों अजम्स गड़बड़े चल रहे आपको अज्यूम करना है दैट फर्नीचर इज बॉट एट दिडल ऑफ द ईयर अगर डेट नहीं पता तो आप अज्यूम करेंगे कि फर्नीचर कब खरीदा आपने ईयर के मिड में आई रिपीट ईयर के मिड में तो अप्रैल टू मार्च का अगर सेशन है तो मिड डेट इज व्हाट चिल्ड्रन सेप्टेंबर थर्टियथ और यू कैन से अक्टूबर फर्स्ट सेप्टेंबर थर्टियथ या अक्टूबर फर्स्ट कुछ भी मान लीजिए यहां से मार्च थर्टी कितने मंथ्स होंगे सिक्स मंथ्स, तो डेप्रीसिएशन विल बी चार्ज फॉर हाफ ईयर खोपड़े में बात गई यही क्लास ट्वेल्थ में पार्टनरशिप फंडामेंटल में काम आता है जब पार्टनर बिजनेस से पैसे निकालता है डेट इज नॉट नोन कि उसने मनी कब किया तो आप पे इंटरेस्ट कैसे निकालोगे सेम लॉजिक वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर जो एनपीओ में पड़ा था काम आएगा लॉजिक समझ में आ गया तो पुराना फर्नीचर है पिछले साल खरीदा था नो प्रॉब्लम फुल ईयर डेप्रीसिएशन इस साल नया फर्नीचर खरीदा बट डेट नहीं पता सो चिल्ड्रन चलन डेट इज नॉट नोन कुछ बच्चे कहेंगे सर मान लेते हैं ईयर के स्टार्ट में खरीदा पूरे साल यूज किया तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन निकालिए गलत कुछ बच्चे कहेंगे बाय फर्नीचर लिख के दिया होगा ना पेमेंट साइट पे बट डेट नहीं पता आपको यहाँ पे तो यहन लेना पड़ेगा आप अज्यूम करेंगे कि हमने फर्नीचर कब खरीदा मिडिल ऑफ द ईयर में तो डेप्रिसिए कितना चार्ज करेंगे हाफ कब अगर एट की जगह बाय है कभी भी खरीदा हो कभी भी खरीदा हो कोई मतलब नहीं डेप्रीसिए तो बातें याद रखनी है आपने फर्नीचर खरीदा डेट नहीं पता डेट पुराना वाला है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो तो भाई साल में इस्तेमाल किया इस साल ने आप फर्नीचर खरीदा डेट नहीं पता एट लिखा है तो हाफ ईयर कर दीजिएगा बाय लिखा है तो फुल ईयर कर दीजिएगा एट और बाय की कहानी समझ में आ गई पक्का और यह बहुत बढ़िया काम करेगा आज के बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सीए बहुत जगह आपको ऐसा लिख के मिलेगा. 10%, 10 और दोनों ही केस में आपको डेट ऑफ परचेज नहीं पता तो एट लिखा है तो हाफ और बाय लिखा है तो ईयर समझ में आई बात पक्का चलिए कंप्यूटेशन ऑफ हिडन अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है आप भी इस फॉर्मुले को कॉपी कर लीजिए बच्चों आपके पास स्टार्ट ऑफ द ईयर में एक फर्नीचर था फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2021 ट्वेंटी वन को जिसकी वैल्यू थी ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज आपने न्यू फर्नीचर खरीदा वर्थ रुपीज फोर्टी थाउजेंड इतनी बात समझ मारी है देर आफ्टर आपने कुछ फर्नीचर बेचा जिसकी बुक वैल्यू थी एट थाउजेंड रुपीज हो सकता है ये नाइन थाउजेंड में बिका हो सकता है ये सेवन थाउजेंड में हमको इससे कोई भी लेना देना नहीं है वील बी सब्ट्रैक्टिंग ओनली एट थाउजेंड प्लीज यूज कॉमन सेंस एंड आंसर ट्वेंटी का फर्नीचर था 40 का और खरीद लिया वी प्लस कर दीजिए कितना बचा? 52, तो आपके पास कितने का फर्नीचर बचना चाहिए फिफ्टी टू थाउजेंड बट आपको आपका अकाउंटेंट बता रहा है दैट ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज ओनली रुपीज फोर्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड कितना बच्चों डिफरेंस आपको नजर आ रहा है आंसर चलन व्हाट द अमाउंट ऑफ डिफरेंस दैट वी सी तो ये कैसे कम हो गया कुछ बच्चे बोलेंगे सर बेच दिया सॉरी जो बेचा है वो तो ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है तो फर्नीचर में किसी भी फिक्स एसेट में जो डेप्रीशिएबल एसेट होती है दो तरह से रिडक्शन आता है फर्स्ट वेन वी सेल इट एंड सेकेंड वेन वी चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन इट तो अगर आपको क्वेश्चन में ये सारे फैक्ट दिए हैं ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर खरीदा बेचा एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस तो डिफरेंस अगर शॉर्ट हो रहा है तो डेफिनेटली वील कॉल इट एज वॉट चिल्ड्रन डेप्रीसिएशन जो फॉर्मुला लिखा है वही मैंने यहां आप पे आपको पढ़ाया है ओपनिंग बैलेंस बीस हजार था प्लस एसेट खरीदी फोर्टी की वॉट इज ट्वेंटी प्लस फोर्टी सिक्सटी माइनस बुक वैल्यू एट थाउजेंड कितना बचा फिफ्टी टू और फर्नीचर आपके पास बचा सिर्फी सिक्स एट हंड्रेड का तो ये मनूज कहां चला गया भाई ये डेप्रीशिएट हो गया समझ में आया प्लीज अपडेट दिस एग्जाम्पल इन योर नोटबुक्स क्विकली तो लेट्स मूव फर्दर चिल्ड्रन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट वी हैव ऑलरेडी डन की की को को आपने आपने बच्चों में में बेचा, बेचा, तो तो और अगर गेन आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करोगे इफ इट इज लॉस आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट करेंगे स्टार्टिंग में फर्नीचर फोर्टी थाउजेंड का था जिसमें से टेन का बिक गया कितने का फर्नीचर बिका चिल्ड्रन वेरी गुड बचा कितने का का हमने कल ऑलरेडी पढ़ा हुआ था पिछली क्लास में फोकस फर्दर ऑन दिस बड़ी मजेदार चीज है बेस्टेस्ट टॉपिक्स और यू कैन से बेस्ट टॉपिक्स अगर आपको बचपन में क्लास सेवेंथ में इंटरेस्ट बता दिया जाए अमाउंट रेट पता हो और टाइम पता हो और आपसे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में बोला जाए प्रिंसिपल कैलकुलेट करिए इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस नो बट यहां पे बहुत बड़ी रॉकेट साइंस बन जाती है अब आप पूछेंगे सर कहना क्या चाहते हैं आप रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे इन्वेस्टमेंट में कितना चल रहा है और आगे क्या लिखा है ब्रैकेट में फॉर फुल ईयर ये थाउजेंड क्या है बच्चों इंटरेस्ट का अमाउंट है या इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है इंटरेस्ट क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता ये इन्वेस्टमेंट होता तो खरीदा होता खरीदा होता तो पैसे गए होते पैसे गए होते तो पेमेंट साइड पे नजर आता इज दैट क्लियर तो मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको इसी फॉर्मुले से करके दिखा रहा हूं फिर यहां पे अपना डेरिवेशन आपको बताऊंगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट गिवन टू अस 16000 प्रिंसिपल अननोन है चिल्ड्रन रेट इज 8% तो 8 बाय एंड टाइम पीरियड इज वन ईयर तो ये बनेगा सिक्स इन टू हंड्रेड इक्वल टू एट पी वन सिक्स ट्रिपल जीरोक्वल्स टू बचो सिक्सटीन लैख अपॉन एट क्या आएगा आंसर टू लैख मतलब आपके इन्वेस्टमेंट कितने के थे टू लाख के और देखिए क्या फॉर्मूला मैंने बनाया हुआ है इंटरेस्ट इंटू रेट अपॉन हंड्रेड ये सेम फॉर्मूला है सिर्फ थोड़ा छोटा कर दिया गया बस इसको यस और नो तो सोलह हजार रुपए इंटरेस्ट इंटू हंड्रेड वही काम आपने यहां पे किया था डिवाइडेड बाय एट वही काम आपने यहां पे किया है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ गई टू लाख अब आप कहेंगे सर हम इसका करें क्या अचार डालें अचार तो आम का और नींबू का डलता है ये आम और नींबू थोड़ा है ये इन्वेस्टमेंट्स पे आपको इंटरेस्ट फुल ईयर के लिए मिला यस और नो फुल ईयर के लिए मिला मतलब ये लास्ट ईयर आपके पास होंगे मतलब ये आपकी लास्ट ईयर की असेट होगी तो आप जब कैपिटल फंड निकालते हैं तो आप क्या बनाते हैं चिल्ड्रन ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको पता लगानी होती है इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू जो क्वेश्चन आपको लिखकर डायरेक्टली नहीं देगा आपको यह बता दिया जाएगा कि भाई सोलह हजार रुपए इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिला एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एट परसेंट मतलब आपके इन्वेस्टमेंट कितने के रहे होंगे दो लाख रुपए के तो यह हिडन असेट है जो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखनी है और अगर यहां से नहीं फाइंड आउट करेंगे वहां लिखेंगे ही नहीं तो आपका कैपिटल फंड गड़बड़ हो जाएगा समझ में आया कितना ट्रिकी क्वेश्चन आता है एनपीओ का तो एनपीओ इज सिंपली ऐसे कुंभ मेला है सब कुछ अवेलेबल बट एड्रेस डेजिग्नेटेड किसी का नहीं है मोबाइल हाथ में तो है सिर्फ कैलकुलेटर चलाइए और हेलो हेलो कर लीजिए समझ में आ गया सिग्नल नहीं आ रहा है तो लॉस्ट सिग्नल में में डेस्टिनेशन ढूंढना है आपको समझ में आई बात समझ में आई बात तो चलन यहाँ पे हेडिंग लिख दीजिए कॉपी में डू नॉट है नोट कंप्यूटेशन ऑफ हिडन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और ये फॉर्मुला कॉपी कर लीजिए फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इक्वल्स टू इंटरेस्ट इन टू हंड्रेड अपन रेट सुपर क्विक लॉजिक समझ में आ गया सिग्निफिकेंस समझ में आ गया क्यों ये कैलकुलेशन किया गया इफ इट इज नॉट डन तो आपके पास एसेट का वैल्यू नहीं होगा और आप इसे ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखने में नाकामयाब रहेंगे और आपका कैपिटल फंड ठीक नहीं आएगा लेट्स कंटिन्यू विद स्पेशल फंड मैंने आपको लास्ट क्लास में स्पेशल फंड के बारे में बताया था बस यहां पे एक चीज और एड ऑन है चिल्ड्रेन व्हाट इज दैट इंटरेस्ट अक्रूड आपके पास फंड वैल्यू कितनी की है चिल्ड्रन? फोर्टी लाख। दो लाख रुपए आपको डोनेशन मिल गया और आठ हजार इंटरेस्ट मिल गया ये बन गया फोर्टी टू लाख। एट थाउजेंड बारह हजार रुपए इंटरेस्ट अक्रूड है टोटल अवेलेबिलिटी इज हाउ मच फोर्टी टू ट्वेंटी अगर आपने फोर्टी टू ट्वेंटी खर्च कर दिया तो कितना बचा आपके पास नील फोर्टी टू टेन खर्च किया तो आपके पास कितना बचा टेन और अगर आपने चिल्ड्रेन फोर्टी टू थर्टी टू खर्च कर दिया तो वट इज द एक्सेस अमाउंट दैट इज भाई जो पापा ने पैसे बचाए थे वो तो कम पड़ गए कहा से अब और पैसे आएंगे करंट इनकम से तो आपने ये ऑलरेडी कल वाली क्लास में पढ़ा हुआ था टेन थाउजेंड चिल्ड्रेन समझ में आ गया अनिल समझ में आ गया होगा रिपीट ट्रीटमेंट है ऑलरेडी डन

समझ में आ गई बात तो आपने जो बैलेंस शीट कल बनाई थी वहां पे लिख सकते हैं या नोट्स अगर हैं तो ऑलरेडी लिखा ही नहीं है समझे चलो हैव ऑलरेडी टॉट दिस एडजस्टमेंट जब हम पढ़ रहे थे वॉट इज कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट एक एक्सपेंस स्टॉक का एडजस्टमेंट आया था जहां पे मैंने आपको बताया था अगर आपने स्टेशनरी खरीदी टेन थाउजेंड की उसमें से नाइन थाउजेंड की तो इस्तेमाल कर ली हाउ मच स्टेशनरी इज लेफ्ट ये स्टॉक है बिलोंगिंग है कहां पे जाएगा साइड ऑफ बैलेंस शीट वेरी गुड समझ में गया गया और जो खप खर्च कर लिया वो एक्सपेंस है तो कहां पे जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये बात सबने पढ़ी थी वो थोड़ा छोटा एडजस्टमेंट था सब छोटा एडजस्टमेंट क्यों पढ़ाया गया था बिकॉज बाकी एडजस्टमेंट्स के ऊपर वहां पे फोकस एंड एफ ज्यादा था एनपीओ में क्योंकि एडजस्टमेंट कम होते हैं तो इसलिए जो भी पढ़ते हैं बड़ा वृद्ध आकार लेके आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सपेंस स्टॉक के बारे में और बेटर एडजस्टमेंट पढ़ने को मिलेगा बहुत ध्यान से पढ़िएगा अब तो ये चैप्टर सीबीएसई में है नहीं जब था बोर्ड में हंड्रेड एंड टेन परसेंट गारंटीड तीन से चार नंबर का क्वेश्चन आता था और मैं चैलेंज करता हूं सीयूटी के एग्जाम में ये आएगा ही आएगा एक आएगा कोई इसको रोक नहीं सकता क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स के ऊपर क्योंकि वहां पे आपको पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने को कोई नहीं देगा ओके okay? चलिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों ध्यान से आइटम्स लाइक स्टेशनरी फूड स्टैम्प फाइल एक्सेट्रा बॉट फॉर द पर्पज ऑफ यूज जितना यूज किया दैट वुड बी कॉल्ड एज वॉट चिल्ड्रन एक्सपेंस एंड द क्वांटिटी विच इज लेफ्ट अनयूज दिस बिकम्स योर आसेट आप भी नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में इसको So, जो यूज है वो असेट या एक्सपेंस बचो जो यूज है वो क्या होगा एक्सपेंस और जो अनयूज है वो असेट हो जाएगा तो यूज पार्ट एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट होगा अनयूज पार्ट असेट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के नाम पे फूड के नाम पे कंज्यूमेबल्स के नाम पे पोस्टेज एंड स्टेशनरी के नाम पे असेट साइड में अपियर करेगा पढ़ने में तो बड़ा आसान है थ्योरी में प्रैक्टिकली बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को और वो क्यों आती है तो यहां पे दो केसेस में मैंने इसका ट्रीटमेंट लिया हुआ चिल्ड्रन पहला ट्रीटमेंट क्या है अमाउंट पेड गिवन पहले ईयर एंडिंग ये सेशन स्टार्ट हुआ फर्स्ट अप्रैल सेवनटीन को और खत्म हुआ थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन को ड्यूरिंग दिस सेशन आपके एनपीओ का एम्प्लॉय किसी स्टेशनरी की दुकान पे गया और कितने पैसे देके आया आंसर इज ट्वेंटी फाइव सुनिएगा बच्चों मेरी बात स्टेशनरी की शॉप पे एम्प्लॉय गया और पच्चीस हजार रुपए पे करके चला आया क्या ये इंफॉर्मेशन कहीं से भी ये सिग्निफिकेंस दे रही है कि पच्चीस हजार का सामान भी खरीदा आंसर आंसर ये सिर्फ इतना बता रहा है दैट दिस इज द अमाउंट पेड हो सकता है इतने का सामान खरीदा हो सकता है कम खरीदा हो सकता है इससे ज्यादा खरीदा हो द इंग्लिश आउट आपके एनपीओ से स्टेशनरी शॉप वाले के पास कितने पैसे गए ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इतनी कहानी सबको समझ में आ गई चलन ये जो डेटा है ये लास्ट ईयर का है और ये जो डेटा है ये करंट ईयर एंड का है समझ में आ गया

इतनी बातें सबको समझ में आ गई पक्का मैं इनके ऊपर कुछ कॉम्पोजिशन फ्रेम कर रहा हूं एंड आई वांट एवरीबॉडी कि लोग इसको लिखें एज आई एम राइटिंग आई want everybody कि लोग इसको लिखें स्टॉक लेफ्ट अनयूज एट द स्टार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर पिछले ईयर के स्टार्ट में यह सामान बच गया था रिपीट चलो पिछले ईयर के स्टार्ट में सामान बच गया था स्टॉक लेफ्ट अनयूज एट द एंड ऑफ करंट ईयर ये वो स्टॉक है जो करंट ईयर के एंड में बच गया था सो प्लीज यूज कॉमन सेंस एंड आंसर चिल्ड्रन अगर आपके घर में कल कुछ आटा अनयूज बच गया था विल मम्मी बी थ्रोइंग इट अवे टूडे नो वो इस साल उसको इस्तेमाल करेंगी तो ये टू थाउजेंड रुपीज की स्टेशनरी जो पिछले साल बची थी विल इट बी अवे इन रिवर गंगा और यमुना नो इट विल यूज इन कारंट जब करंट ईयर में इसे यूज करेंगे तो डेफिनेटली ये बेनिफिट कब देगा करंट ईयर में और हर वो कॉस्ट जो करंट ईयर में बेनिफिट देती है बच्चों आप उसे क्या बोलते हैं एक्सपेंस क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या होता है एक्सपेंस कॉन्ट्रोवर्सली ये चार हजार रुपए की स्टेशनरी वो है जो आपने खरीदी बट आप इस्तेमाल नहीं कर पाए आई रिपीट आपने खरीदी बट आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए तो हम ले रहे हैं कि पच्चीस ऑलरेडी इंक्लूडेड है हम इसको खरीद के लाए बट हमने इसको यूज नहीं किया तो बच्चों पच्चीस हजार में जब चार हजार की स्टेशनरी यूज ही नहीं हुई तो यूज कितने की हुई ट्वेंटी वन सबको इंडिपेंडेंट लेके चलेगा तभी समझ में आएगा आई रिपीट 25000 रुपी में 4000 की स्टेशनरी यूज ही नहीं हुई तो व्हाट अमाउंट ऑफ स्टेशनरी हैव बीन यूज्ड 21 तो so आपका एक्सपेंस कितना माना जाए ओनली 21 व्हाट कुड बी डन मैथमेटिकली टू मेक दिस 25000 एज़ 21000 चिल्ड्रन आप इसे माइनस कर देंगे इतनी बात सबको समझ में आ गई चिल्ड्रन इतनी बात सबको समझ में आ गई यस सर Same is with this children and same is with this. अगर आपको क्वेश्चन में स्टेशनरी वर्ड लिख के आएगा you will get opening stock and closing stock. <laughs> अगर आपको स्टेशनरी की जगह कोई सर्विस लिख के आ जाए फूड सर्विस वगैरह वगैरह इन टाइमजेबल जिसको आप देख नहीं सकते तो स्टॉक शब्द की जगह आपको क्या मिलेगा प्रीपेड बेसिकली स्टॉक और प्रीपेड एक ही चीज होती है सर कैसे आप एक शॉपकीपर हैं आपने पांच हजार रुपए का सामान खरीद लिया बट आप उसे बेच नहीं पाए इट इज वॉट चिल्ड्रन समझ गया आप एक शॉपकीपर हैं आपका इलेक्ट्रिक बिल आया वन लाख रुपीज का आपने चेक काट दिया वन लाख फाइव थाउजेंड का तो पांच हजार की इलेक्ट्रिसिटी आप लेने के लिए एलिजिबल हैं पैसे जमा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में तो आपके पास ये स्टॉक है ना इलेक्ट्रिसिटी का तो स्टॉक चलता है टैंजेबल चीजों पे और इनटैंजेबल पे क्या चलता है प्री पेड चीज एक अभी भी नहीं समझ में आया आप ऐसे समझ लीजिए आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे गए आपने दस हजार का सामान खरीदा और उसने आपको बारह हजार रुपए का सामान भेज दिया कितने का सामान भेज दिया बारह हजार का आप दो हजार रुपए और आए बारह हजार का सामान खरीदा बारह हजार पेमेंट किया इस्तेमाल पिछले साल से दस हजार का सामान किया कितना सामान बच गया टू थाउजेंड इट इज स्टॉक बच गया आपने इस्तेमाल नहीं किया इसको इस तरह से देख लीजिए स्टेशनरी शॉप पे आप गए आपने स्टेशनरी शॉप वाले को ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज दिए रहा है कितना पैसा ऑफ योर इज ऑलरेडी विद द स्टेशनरी शॉप वाला टू थाउजेंड मतलब वो सामान उसी के पास पड़ा है आप क्या बोलेंगे इसे स्टॉक या आप बोलेंगे कि आपने एक्सेस पेमेंट किया हुआ है तो इट इज वॉट प्रीपेड बात तो वही है तो टैंजेबल के केस में एक्सेस सामान आ गया इस्तेमाल नहीं हुआ स्टॉक इन के केस में इट्स जस्ट लाइक दैट आपने दस हजार का सामान खरीदा और आठ हजार का इस्तेमाल कर लिया कितना बचा दस का खरीदा और आठ का इस्तेमाल किया कितना बचा टू थाउजेंड जिन मेहरों को बैठ से आती कोशिश करें आवाज आएगी दस हजार का सामान खरीदा आठ हजार का इस्तेमाल किया कितने का बच गया यह क्या बोला जाएगा स्टॉक वोडाफोन का सिम कार्ड है दस हजार रुपए का रिचार्ज कर लिया कितने का थर्टी फर्स्ट मार्च तक सिर्फ आठ हजार रुपए का ही कॉलिंग हो पाया है कितना बैलेंस अभी भी है स्टॉक ही तो है कॉल वैल्यू का स्टॉक ही तो है तो के केस में स्टॉक चलता है और इन के केस में वर्ड इज प्रीपेड दोनों का मतलब एक्जैक्टली एक ही है समझ में आ गई बात चल रही पक्का तो जब आपको क्वेश्चन में अमाउंट पेड दिया हो आप क्या करेंगे आप ओपनिंग स्टॉक को प्लस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस ओपनिंग प्रीपेड को प्लस करेंगे और क्लोजिंग प्रीपेड को माइनस क्यों सर ऐसा क्यों करेंगे ध्यान से सुन लीजिए रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे रहेगी नोट्स बना के लिख भी लीजिएगा मैंने यहां पे लिख भी दिया है फोर हंड्रेड रुपी लास्ट ईयर आपने पे तो कर दिया डिड यू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट डिड यू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट कॉमन सेंस की पिछले साल एक्सेस पैसे दे दिए थे बेनिफिट कब मिलेगा समझ समझ में आ गया? समझ में आ आ गया, गया। तो जब बेनिफिट बच्चों इस साल मिलेगा, तो वो किस का होगा? बातें आपने कर ली कितना बैलेंस ऑलरेडी फोन पे पड़ा हुआ है फोर हंड्रेड थर्टी फर्स्ट मार्च ईयर एंड हो चुका है क्या आप वो पैसा अब यूज कर पाए थर्टी फर्स्ट मार्च तक नो no. तो अप्रैल में आप यूज करेंगे 400 तो आपको बेनिफिट कब मिलेगा अप्रैल में तो एक्सपेंस किस मंथ का होगा अप्रैल का बट रिचार्ज तो पहले कराया था ना तो पेमेंट से मतलब नहीं है वी आर कंसर्न्ड विद एक्सपेंडिचर समझ में आ गया तो सामान खरीद लिया इस्तेमाल नहीं कर पाए इट इज स्टॉक सर्विस खरीद ली इस्तेमाल नहीं कर पाए इट इज प्रीपेड ₹20000 का इलेक्ट्रिक मीटर रिचार्ज कर दिया आपने अपने घर का थर्टी फर्स्ट मार्च को उन्नीस हजार छह सौ की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली मीटर पे बैलेंस कितना है 400. तो फोर हंड्रेड रुपी अनयूज अमाउंट है कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को आपने प्री पेमेंट कर दिया कब यूज करेंगे इसको ईयर तो तो खत्म हो गया नेक्स्ट सेशन में तो ये एक्सपेंस कब बनेगा नेक्स्ट सेशन मतलब इस सेशन में तो ओपनिंग स्टॉक एंड ओपनिंग प्रीपेड को क्या करेंगे मैथमेटिकली हम एड क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे क्यों फिर से सुन लीजिए

छे सौ रुपए का एक्सेस पेमेंट हो गया जो सर्विस हमने इस्तेमाल नहीं की है क्या जब आपको इस सिक्स हंड्रेड ने बेनिफिट ही नहीं दिया क्या आप इसे अपना एक्सपेंस बोलेंगे no, तो पच्चीस हजार को चौबीस चार सौ करने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा समझ में आ गई बात पक्का चलिए मूविंग अहेड व्हाट इज रिटर्न नेक्स्ट चिल्ड्रन क्रेडिटर्स पिछले साल आठ सौ रुपए के क्रेडिटर्स को पैसा देना तो था बट आपने नहीं दिया तो पीपल कैन हैव अ नोट ऑन दिस यहां पे एक छोटा सा नोट अपेंड कर लीजिए पेंडिंग पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर पैसे देने थे बट हमने नहीं दिए तो बच्चों कब देंगे आप करंट ईयर जब आप पच्चीस हजार रुपए देने उनको जाएंगे और उनका लास्ट ईयर का एट हंड्रेड बकाया है पेंडिंग है विल दे बी गिविंग यू फुल वर्थ ऑफ स्टेशनरी नो वो कहेंगे पहले हमारा आठ सौ रुपए पे करो तब स्टेशनरी ले जाओ सो इफ वी पेड देम ट्वेंटी फाइव थाउजेंड क्या पूरे पच्चीस की स्टेशनरी मिलेगी नो no. कितने पैसे की स्टेशनरी वो नहीं देंगे एट हंड्रेड तो वो अपना एट हंड्रेड रुपी पहले डिडक्ट कर लेंगे अंडरस्टूड एवरीबॉडी क्यों डिडक्ट कर लेंगे भाई कॉमन सेंस की बात है आपका लास्ट ईयर का पेंडिंग अमाउंट था तो जब तक आप पूरा पे नहीं करेंगे वो आपको आगे स्टेशनरी नहीं देंगे फर्दर मार्क दिस चिल्ड्रन वॉट इज दिस वन थाउजेंड रुपी इसको भी मार्क कर लीजिए ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है दैट इज पेंडिंग पेमेंट ऑफ current ईयर दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर करंट ईयर में आपने पैसे देने थे बट दिए नहीं ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे वट इज द अमाउंट पेड रिफ्लेक्टेड ऑन द पेमेंट साइड बच्चों? ट्वेंटी ये पैसा करंट ईयर में बकाया है अभी पे नहीं किया और ये आपने पे कर दिया है क्या हम बोल सकते हैं कि वन थाउजेंड पहले से ट्वेंटी फाइव में जुड़ा है दिस इज पेड एंड दिस इज अनपेड क्या ट्वेंटी yes, कैसे समर जी कैसे पच्चीस हजार पेड है और ये पेंडिंग है एक इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कर लीजिए प्लीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हमने पे कर दिया ट्वेंटी फाइव पे कर दिया और वन क्रेडिटर शो हो रहा है तो क्रेडिटर का मतलब क्या है जो पे कर दिया या पे करना बाकी है बाकी कि है बाकी है इसे की ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इज इंक्लूसिड थाउजेंड पक्का चलिए बच्चों सो so, ये बात समझ में आ गई ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इज द अमाउंट दैट इज पेड दैट इज पेड एंड वन वो है जो आपने पे नहीं किया कैसे पता कि भाई यहाँ पे क्रेडिटर लिखे हैं तो कैन वी से ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के अंदर ये वन थाउजेंड पहले से जुड़ा हुआ है बिल्कुल भी नहीं जुड़ा ये नहीं इंक्लूडेड है बट आपने खरीदी तो है स्टेशनरी लोग कहेंगे सर ये कैसे पता अरे भाई उधारी है आपके ऊपर इतने की

Add. अब कुछ लोग अगर आपने नहीं इस्तेमाल किया तो इट इज वॉट हैं माइनस कर दिया ऑटोमैटिकली सही हो गया बात समझ में आई तो इफ यू आर कि स्टेशनरी उधार में खरीदी खरीदी तो इस्तेमाल की इस्तेमाल की तो बेनिफिट मिला बेनिफिट मिला तो इट्स एन एक्सपेंस तो हम क्या करेंगे उसको एड बट सर मान लीजिए हमने यूज ही नहीं किया तो क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे लेस तो कर रहे हैं ऑलरेडी किस बात का कॉकरोच काट रहे हैं हमको समझ में आ गई बात क्रेटर्स हो या आउटस्टैंडिंग हो बच्चों इट मीन एग्जैक्टली वन एंड द सेम थिंग तो जो काम आपने क्रेटर्स के साथ किया वही काम आप आउटस्टैंडिंग के साथ कर देंगे द ओनली डिफरेंस इज टैंजेबल आइटम्स की परचेज है द टर्म इज क्रेटर्स बिजली का बिल देना था तो आप क्रेडिटर वर्ड की जगह क्या यूज करेंगे

ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे लेस करेंगे और बैलेंस शीट में भी इनको लिखना है स्टॉक एंड प्रीपेड साइड पे चला जाएगा क्रेडिटर्स एंड प्रीपेडिंग कहा सीवीटी में जब ये क्वेश्चन आपको मिलेगा तो ऐसा ही डेटा लिख के आएगा और आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी यूज द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी स्पेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्टेशनरी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस वन प्लस थ्री हंड्रेड प्लस टू थाउजेंड प्लस फोर हंड्रेड माइनस एट हंड्रेड माइनस नाइन हंड्रेड माइनस फोर थाउजेंड एंड माइनस सिक्स हंड्रेड समझ में आ गया प्लीज अपडेट दिस क्विकली चलिए सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर ये बात सबको समझ में आ गई अमाउंट पेड दिया है तो किसको क्या करना है क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट होगा सीओजीएस का कॉन्सेप्ट याद है ना मैं उस कॉन्सेप्ट से आपको एक ब्रह्मास्त्र देता हूं सीओजीएस आप कैसे कैलकुलेट करते थे बच्चों बताइए वी यूज टू टेक द वैल्यू ऑफ परचेज क्या एड करते थे ओपनिंग स्टॉक और क्या लेस करते थे क्लोजिंग स्टॉक परचेज रिटर्न तो इग्नोर कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक प्लस होता था तो सो कॉल्ड ओपनिंग का प्रीपेड भी प्लस हो जाएगा एक ही चीज है दोनों क्लोजिंग स्टॉक लेस होता था तो क्लोजिंग का प्रीपेड भी लेस हो जाएगा समझ में आ गई बात स्टॉक और क्रेडिटर उल्टा चलता है स्टॉक असेट है क्रेडिटर लाइविटी है तो ओपनिंग का स्टॉक आपने एड किया तो ओपनिंग के क्रेडिटर्स को क्या करेंगे सब कर देंगे और ओपनिंग के आउटस्टैंडिंग को भी क्या कर देंगे माइनस उल्टा चलता है ना क्लोजिंग का स्टॉक लेस किया आपने तो क्लोजिंग के क्रेडिटर्स को क्या कर देंगे आप एड और क्लोजिंग के आउटस्टैंडिंग को क्या कर देंगे add. एकदम सीओजीएस का है तो तो कभी भी बोले तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ये सॉलिड ब्रह्मास्त्र है फिर से बताइए सीओजीएस का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था भाई आपको वी यूज टू टेक द वैल्यू ऑफ परचेजेस ओपनिंग स्टॉक एड करते थे और क्लोजिंग स्टॉक सब बस यहीं से पूरा डेरेवेशन कर लीजिए जो काम स्टॉक के साथ किया वही काम किसके साथ करना है प्रीपेड के साथ तो ओपनिंग का स्टॉक प्लस हुआ तो ओपनिंग प्रीपेड भी प्लस हो गया क्लोजिंग का स्टॉक माइनस हुआ तो क्लोजिंग का प्रीपेड भी माइनस इतनी समझ में आ गई बात पक्का स्टॉक स्टॉक और क्रेडिटर आइटम है तो तो ओपनिंग ओपनिंग आपने क्या किया था Add, तो के क्रेडिटर्स को क्या कर देंगे सब ऑपोजिट कर देंगे जो काम क्रेटर के साथ करना है वही आउटस्टैंडिंग के साथ करना है ओके सेम वे सीओजीएस में क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते थे तो प्रीपेड भी वही चीज है माइनस कर दिया स्टॉक एंड क्रेडिटर्स उल्टे होते हैं हमेशा तो क्लोजिंग का स्टॉक माइनस किया तो क्रेडिटर्स को क्या कर लिया प्लस बस याद रख लीजिए एक्सपेंस स्टॉक अपने आप आप आ आ जाएगा समझ में आ गई बात पक्का तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं फॉर योर रेफरेंस ताकि आपसे कभी गलती ना हो बिग यस सर सो जस्ट चेक आउट स्टेशनरी के साथ ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग प्रीपेड क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे ऑल हैव बीन एडेड और इसी के ऑपोजिट माइनस कर दिए गए तो कभी भी रटने की कोशिश मत करिएगा बस याद रखिएगा एकदम सीओजीएस की तरह बच्चों एकदम सीओजीएस की तरह कोई भी चेंज नहीं है सीओजीएस में ओपनिंग स्टॉक प्लस होता था तो यहां पे भी वही करना है क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता था यहां पे भी वही करना है स्टॉक और प्रीपेड एक जैसे आइटम होते हैं तो जो काम ओपनिंग स्टॉक के साथ किया वही प्रीपेड के साथ जो काम क्लोजिंग स्टॉक के साथ किया वही क्लोजिंग प्रीपेड के साथ और क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग उल्टा चलेगा तो स्टॉक का ओपनिंग प्लस है तो क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग ओपनिंग माइनस स्टॉक का क्लोजिंग माइनस है तो क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग प्लस हो जाएगा बस एक याद रखना बाकी अपने आप रिवर्स रिएक्शन रहेगा चलिए बैलेंस शीट में इन्हें कहा शो करना है ऑलरेडी टोल्ड यू स्टॉक एंड प्रीपेड है तो किधर चला जाएगा असिट एंड क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग है तो कहां जाएगा लाइबिलिटी प्लीज डू नॉट आस्क सर बैलेंस शीट टैली नहीं कर रही आपकी ये सिर्फ एक्स्ट्रैक्ट है टैली कहां से करेगी टैली तभी करेगी जब सारा कॉम्पोजिशन कंप्लीट होगा ओके okay? चलिए क्स्ट चिल्ड्रेन बड़ा भयंकर केस इग्नोरेंस इज ब्लेस सुना होगा लोगों ने क्या लिखा है When purchase is given, सर क्या फर्क है दोनों में अमाउंट पेड का मतलब इतने पैसे हम दे आए अगर लास्ट ईयर कुछ पेंडिंग होगा तो अपना वो पैसा काट लेंगे ध्यान दीजिएगा मेरी बात को अमाउंट पेड पच्चीस हजार दे के चले आए अगर पिछले साल का कुछ बकाया कुछ पेंडिंग है तो वो पहले अपना पुराना पैसा काट लेंगे इज दैट क्लियर बट हेयर द टेक्स्ट गिवेन इज वॉट चिल्ड्रन परचेज मतलब इतने की स्टेशनरी खरीदी है इतने की स्टेशनरी खरीदी है तो आपके पास दो हजार रुपए की स्टेशनरी लास्ट ईयर बची थी क्या फेंक देंगे रिवर गंगा में नो no, आप यूज करेंगे यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा तो इट इज योर एक्सपेंस पच्चीस हजार में चार हजार की स्टेशनरी तो इस्तेमाल ही नहीं हुई क्या आपको बेनिफिट मिलेगा इसका नॉट एट ऑल तो आपको इसका बेनिफिट तो मिलेगा नहीं तो ट्वेंटी कर देंगे सर यही काम तो पिछली बार किया था अभी भी यही करेंगे क्रेडिटर्स से हमें कोई भी बच्चों लेना देना नहीं है क्यों नहीं है बिकॉज द टेक्स्ट सेज वॉट चिल्ड्रेन परचेज सामान खरीदा है आपने पच्चीस हजार का सामान खरीदा है ये नहीं है कि उनको पेमेंट दिया है समान खरीदा है तो जब समान खरीदा है 25 का तो, तो, किया। किया तो, मिला। मिला तो पच्चीस तो। तो पे तो मतलब हमने पच्चीस हजार का सामान खरीदा है पुराने क्रेडिटर्स को पैसे नहीं दिए लॉजिक समझ में आया कि नहीं पक्का तो यहां पे आपको क्रेडिटर्स को As well as children outstanding को क्या करना है इग्नोर करना है पिछले साल चार सौ रुपए एक्स्ट्रा दे आए थे तो भाई सामान इस साल में लिया होगा और इस साल छह सौ रुपए एक्स्ट्रा है पे कर दिया सामान अभी खरीदा नहीं है तो आपको सिर्फ प्री -पेड और स्टॉक से मतलब होगा क्रेडिटर से और आउटस्टैंडिंग से कोई लेना देना नहीं होगा बच्चे यही गलती कर देते हैं जो परचेज और पेमेंट को नहीं समझते ध्यान से तो जब परचेज लिख के आएगा स्टॉक और प्रीपेड वाला काम करना है क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग हैव टू बी इग्नोरड समझ में आ गई बात और अगर अमाउंट पेड लिख के आएगा सर्व गुण संपन्न सब कुछ एडजस्ट करना है आपको बात समझ में आई क्यों इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज़ परचेज मींस इतने का सामान खरीदा यू वेंट टू अ रेस्टोरेंट विद द फ्रेंड्स घर आए पापा ने पूछा कितने पैसे पे करके आए ₹25000 तो पापा खुश हो गए जान के कि पुराना भी जो क्रेडिटर्स का पेमेंट था वो भी ऑलरेडी दे दिया बट पापा ने पूछा कितने का खाना खाया पच्चीस हजार रुपए का मतलब पुराना पेमेंट अभी भी पेंडिंग है समझ में आ गई बात तो बैलेंस शीट तो वैसे ही बनेगी जैसे बनती थी द ओनली डिफरेंस वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वॉट यू आर गोइंग टू इग्नोर क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग सब लोगों को बात समझ में आ गई चलिए बैलेंस शीट वैसी बनेगी यहाँ पे लिखा भी टू बी बी इफ द क्वेश्चन प्रोवाइड परचेजेस ऑफ पेमेंट आइटम्स लाइक क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग शैल नॉट एडजस्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओके चलिए सो चलिए आपने कर लिया है क्वेश्चन बैंक लोगों के पास है जिनके पास नहीं है उनको पीडीएफ मिल जाएगा ओके okay? तो मैं आपको क्वेश्चंस बता भी दूंगा और क्लास में करवाऊंगा इन सबके इसके बाद हम ये आखिरी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जब ये चैप्टर सीबीएसई में था और इवन आज आई में है भी नाइनटी नाइन परसेंट बच्चा में चिल्ड्रेन सब्सक्रिप्शन में तो सब गलती कराते हैं बिकॉज जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक्सपेंस स्टॉक के दो केसेस बताए सब्सक्रिप्शन के भी देख लीजिए कितने केसेस हैं छह तो यहाँ नजर ही आ रहे हैं सेवन केसेस हैं चिल्ड्रेन हाउ मेनी सेवन नहीं। और छठे और सातवें में ही तीन चार केस और बन सकते हैं तो इसलिए कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर नहीं तो हर क्वेश्चन एनपीओ का गलत होता है बच्चे का खैर उतना डिफिकल्ट नहीं है मैंने इन केसेस को क्लासिफाई कर दिया है हाँ इस ब्रह्मांड में तो कोई भी ऐसी बुक किसी ने आज तक लिखी नहीं जिसमें सात केसेस इतने साफ सुथरे तरीके से लिखे गए हों एक सीता जी बहुत पवित्र थी दूसरे नोट्स बड़े पवित्र हैं इन दोनों की पवित्रता सेम है समझ लीजिए समझ में आ गया चलिए तो दैट्स ऑल फॉर टुडे अगली क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सपेंस स्टॉक के और सब्सक्रिप्शन की पढ़ाई करेंगे ठीक तो वीडियो अपलोड हो जाएगा इसको जरूर देख लीजिएगा तभी आप कल क्वेश्चन ध्यान से कर पाएंगे